उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका लगा है। राज्य के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी की रिश्तेदार और महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष सहित चार बीजेपी महिला नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा है। उत्तराखंड में बागियों ने पहले ही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। ऐसे में क्या बीजेपी की महिला नेताओं के साथ कांग्रेस को करेगा मजबूत, देखेंगे ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में चुनावी जंग अपने चरम पर है और नेताओं का दल बदल करने का सिलसिला अब भी जारी है। आज भी उत्तराखंड में बीजेपी को जोर का झटका लगा है। राज्य के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी की महिला रिश्तेदार ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। बीजेपी महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष माया कोश्यारी ने बीजेपी को जोर का झटका देते हुए कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की मध्यम वर्गीय महिलाओं में माया की अच्छी पैठ है, जिसका फायदा अब कांग्रेस को मिलेगा। माया के साथ कई और बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस के साथ जाने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस में शामिल होने वाली दूसरी बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं में पूर्व महामंत्री दीपा बोरा, मंत्री सुमन बोरा और कार्यकारिणी सदस्य किरण बिष्ट शामिल हैं। इधर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें बीजेपी ने जनता के सामने वादों का पिटारा खोल दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया है। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में सत्ता वापसी के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए प्रचार में धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी प्रदेश में दो बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे और बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसके लिए चुनावी प्रचार काफी जोर शोर से चल रहा है। लेकिन बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष माया कोश्यारी का कांग्रेस में जाना बीजेपी की जीत की राह को और मुश्किल जरूर बना देगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।